अगर आपके घर में छोटी बच्ची है और पैंट सिलना चाहते हैं अपने घर में खुद से, तो 2.5 इंची का पट्टी लेना है और एक फोल्ड कर लेना है एक साइड में। यहाँ पर दूसरे साइड में आपको इस तरह से चुन्नत रेडी करना है। लेकिन चुन्नत रेडी करने के लिए आसान जो तरीका है, एक सुई लेना है और इस तरह से हल्का हल्का आपको प्लेट लेते हुए चले जाना है, तो इस तरह चुन्नत रेडी हो जाएगा। ये चुन्नत रेडी होने के बाद मैंने 2.5 साल बच्चे के लिए पैंट कटिंग किया है। अब नीचे इसको इस तरह से एक धाप रख कर के एक सिलाई यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ये सिलाई मैंने इस तरह से एक ही पीस में अटैच किया हूँ, एक पीस मैं पहले से अटैच करके रखा हूँ ये आपको बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में एक धाप रखते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब दोनों को, जो दोनों पीस मैंने एक पीस पहले बताया कि मैंने अटैच करके रखा है, अब यहाँ पर आसन दोनों को मिलाना है और एक धाप रखते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई अटैच करेंगे। अब दूसरे साइड का जो आसन है इसको भी हम सेम इसी तरीके से एक धाप रख करके इसकी सिलाई हम करेंगे। जब तक हम सिलाई कर रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल मोइन टेलर को, और अगर इसकी कटिंग देखना चाहेंगे तो आप धीरज रखिए, आपको आगे वीडियो पूरा देख लीजिए, इसमें कटिंग भी आपको आसानी के साथ बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम साइड अटैच करेंगे, लेकिन साइड अटैच करने के टाइम आपको एक ध्यान रखना चाहिए, 20 सेंटर में आपको अच्छे से सेंटर मिलाना है। उसके बाद पूरे पीस में इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक और सिलाई हम लगाएंगे, क्योंकि मजबूती थोड़ी सी होनी चाहिए, बच्चे की है इसलिए, और बड़े में भी सेम इसी तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। ये सिलाई अटैच करने के बाद यहाँ पर मेन पॉइंट है, ये इलास्टिक कितना रखेंगे। तो ये एक फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखना, जितना भी आपका कमर रहेगा बच्चे का या तो बड़े साइज का, उसमें से आपको 3 इंच कम कर लेना है और इस तरह से गोल कर लेना है इलास्टिक को। अब कैसे अटैच करेंगे, तो एक पीस साइड का इस तरह से रखेंगे और नीचे वाले पीस को ध्यान से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई अटैच करेंगे। ये सिलाई आपको पूरे पीस में इसी तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई पूरे पीस में आपको इस तरह से लगा करके मैंने बता दिया है। ये सिलाई अटैच होने के बाद इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, अगर इंस्टाग्राम आईडी पर देखना चाहते हैं तो मेरा moin_tailor786 है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। अब कटिंग करने का तरीका है, 4 फोल्ड कपड़े को करना है, यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ना है इलास्टिक लगाने के लिए, और इस जगह से 8.5 इंच पर एक आसन का मार्जिन लगाना है, और यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर पूरे पीस को इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कितना रखेंगे, तो 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब स्केल लेकर के आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेना है। अब इसी जगह से हम यहाँ पर आसन का शेप दे देंगे और नीचे की तरफ 5 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। अब स्केल लेंगे और ये वाले हिस्से को इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसके कटिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ से पहले आसन को इस तरह से कटिंग करेंगे, उसके बाद हम साइड की भी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। ये छोटे बच्चे के लिए कटिंग हो गया, जो 2.5 साल के लिए। अगर आप लोग को ब्लाउज़ वगैरह की कटिंग सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर देना।